हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज अपने डोर के लिए एक नेम प्लेट जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा बनने वाला है, मुझे ऐसी उम्मीद है जैसा मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में जैसे आइडियाज़ आए हैं, तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो पहला मेरा डोर नेम प्लेट था वो मैं उसको एज इट इज़ रखूँगी, बट वहाँ से हटा के वॉल के अपोजिट साइड में मैं उसको लगाने वाली हूँ एंट्रेंस गेट पे, तो उसको भी रखूँगी। और जो नया मैं अपना नेम प्लेट बना रही हूँ वो अभी मेरा रहेगा। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं उसके लिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये एक इतना बड़ा सा फ्रेम है, तो मैंने एक सर्कल कटवाया था कार्डबोर्ड का, हार्ड कार्डबोर्ड है ये, तो मुझे ऑर्डर मिले थे कुछ नेम प्लेट्स बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने ये एक सर्कल कटवाया था, तो उसका ये रिंग मेरे पास बच गया था। तो इस तरह के दो तीन रिंग्स हैं मेरे पास जिसको मैंने सेफ रख लिया था कि मुझे कुछ दिमाग में आएगा तो मैं कुछ बनाऊँगी, तो अभी वो टाइम आ गया है, तो मैं ये रिंग यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे जॉइंट था क्योंकि उन्होंने कटर से कट किया था, तो बिना इसको कट किए वो सर्कल बन नहीं सकता था, कट नहीं सकता था, इसलिए इसको मैं जो पेपर टेप आता है उससे मैंने इसको चिपका दिया है ताकि ये निकले नहीं। और यहाँ पे मैंने दो होल किए हैं, यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड दो होल किए हैं जिससे मैं हैंग करूँगी इसको, और नीचे की साइड दो होल इसलिए किए हैं क्योंकि ये पेपर टेप अगर निकल जाए बाई चांस लटकने की वजह से, तो इससे और इससे मैं धागे के थ्रू इसको, थ्रेड के थ्रू इसको जोड़ सकूँ ताकि ये बाद में निकले नहीं। तो ये है मेरे पास एक रिंग, और ये है मेरे पास केक, तो सभी के पास, सभी के घर में होते होंगे, तो ये केक का जो बेस होता है वो है मेरे पास और इसका मैं यूज़ करूँगी। तो इसके चारों कोने पे मैंने होल कर लिया है, ऐसे चारों कोने पे होल कर लिया है, बहुत इजी है होल करना। आपके पास अगर तंदूर वाला ये होगा आपके पास, और ये जिसको खलबट्टा कहते हैं तो ये होगा, तो आपको जहाँ होल करना है इसको रखिए और उसके ऊपर इसको कर करके आप इसको अच्छे से होल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, बच्चों से दूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत शार्प होता है, ये बच्चों से दूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो इसके कोने पे मैंने चार होल कर लिए हैं, और इस ये जो बेस है इस पर भी मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, उस इसके अकॉर्डिंग मार्क कर लिया है, और जिससे मैं उसको और इसको जोड़ सकूं। और थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा आपको, बट जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो मैं आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करती हूँ।